नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। लातेहार जिले में गरीबी दूर करने के लिए नववर्ष में कई कार्य किए जाएंगे। सरकारी एजेंसियां ही नहीं बल्कि सामाजिक संगठन, एनजीओ व निजी प्रतिष्ठान भी आगे आने लगे हैं। जिले में करीब एक तिहाई आबादी गरीबी दूर करने के लिए, आबादी का स्तर उठाने के लिए सरकार द्वारा प्रयास नहीं किए गए। इसके बाद भी गरीबी के अभिशाप से पूरी तरह छुटकारा नहीं मिल सका। मनरेगा के तहत गांव के स्तर पर विकास योजनाओं का संचालन तेजी से होगा। इसमें मजदूरों को उनके घरों में ही रोजगार की व्यवस्था सहजता के साथ हो जाएगी। शिक्षित युवकों को रोजगार मुहैया कराने की कोशिश। कोरोना काल से कुटीर व सूक्ष्म लघु उद्योगों की सेहत कमजोर हो गई है। आम व्यवसाय भी संकट से कराह उठे हैं। उम्मीद की जा रही है कि संगठित असंगठित क्षेत्रों को आर्थिक मदद की खुराक केंद्र राज्य सरकारें देंगी। नए साल में युवाओं के लिए रोजगार के नए विकल्प खुलेंगे। शिक्षित युवकों को रोजगार मिलेगा तो गरीबी का अभिशाप दूर होगा। इसके लिए जिला प्रशासन की ओर से सरकार के पास कई सुझाव भेजे गए हैं। रेलवे की ओर से रेल लाइन निर्माण से लेकर कई स्थानों पर क्वार्टर का निर्माण कराया जाएगा। वर्तमान में टोरी रेलवे स्टेशन के समीप रेलवे की ओर से बड़े भवनों का निर्माण शुरू करा दिया गया है। इसके साथ ही रेलवे ने टोरी, लातेहार, बरवाडे, बालूमाथ, शिवपुर तक कई फेज में कार्य की योजना बनाई है जिसे मूर्त रूप दिया जाएगा। इसके अलावा जिले में टोरी, लातेहार व बरवाडे के रेलवे स्टेशनों को मॉडल बनाने की योजना है जिस पर कार्य होने से लोगों को स्थानीय स्तर पर लंबे समय तक रोजगार मुहैया हो सकेगा। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।